नजरें यहां वहां ढूंढती रोशनी चांदनी, नजरें यहां वहां ढूंढती रोशनी चांदनी। ये चमक सारी सच नहीं, सच आता नजर नहीं, जानेगा कैसे सच है क्या ज्ञान का दीप तू जला, अंधेरों से निकल। देर हो जाएगी बड़ी जिंदगी खड़ी दो घड़ी, ज्ञान की रोशनी में देख खुशियां राहों में खड़ी, पल हाथों से जाएगा बीते पल ये आएना, बात है ये पत की तेरे ही बल की, सुन मेरे साथी चल साथ मेरे तू सारे जलाए ज्ञान की बाती। नजरें यहां वहां ढूंढती रोशनी चांदनी, ये चमक सारी सच नहीं, सच आता नजर नहीं, जानेगा कैसे सच है क्या ज्ञान का दीप तू जला, अंधेरों से निकल। तुम्हारी टीचर घर में पहुंच चुकी है, जल्दी जाओ। अरे शिवानी आज जल्दी आ गई, नहीं तो 6 बज रहे हैं। सारा दिन काम में ऐसे बीत जाता है कि वक्त का कुछ पता ही नहीं चलता। 6 बज रहे, पता नहीं पप्पू अब तक क्यों नहीं आया। लो शरबत, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था ना। हाँ गंगूबाई, ओ गंगूबाई आई। भाई भाई जरा देखो पप्पू बाबा बाहर खेल तो नहीं रहा। रोज का नाटक है पप्पू बाबा का। आप पप्पू बाबा को ऐसा डटी है, ऐसा डटी है कि बस 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 अपनी बकवास बंद कर और जितना कहा गया उतना ही कर, और कहना कि टीचर इंतजार कर रहेली है, ताबड़तोब घर चल। रहेली है नहीं, कर रही है। मुझ तो बोला भाई, कर रहेली है, कर रहेली है। अच्छा अच्छा जा भाई, ये 4 कपड़े सुखाने के रह गए हैं, वो सुखा देती हो और स्पीड से चले जाती हो, लेकर आती हूँ। कितने मार्क्स मिले हैं? 4। सामने से बैठकर देखेंगे फ्रंट रो में। 4? तो तेरी बहन जाएगी? वो तो छोटी है। हाँ बहुत छोटी है, वो तो शेर से डर जाएगी ना। मैं शेर से नहीं डरूंगा, मैं चलूं। बहन घर पर अकेले कैसे रह सकती है, वो तो छोटी है। पप्पू बाबा तुम सुनते हो कि नहीं मेरा? सुन रहा हूँ। डबल नाम से क्यों बुलाती हो बाबा और पप्पू? तुम्हारा नाम पप्पू है और तुम बाबा। बाबा मैं? बाबा तो डैडी वाला होता है ना। नहीं बाबा, तुम्हारा नाम पप्पू है ना। हाँ फिर तुम बाबा हो, बच्चे हो। नहीं बाबा यानी बड़ा आदमी। नहीं बाबा, बाबा यानी बच्चा। पिंकी तुम अपने पिताजी को क्या कहती हो? बाबा। देखो गंगू भाई, अब तुम क्या डिंकी के बाबा को बच्चा कहोगे? अरे बाबा जाने दो ना बाबा का नाटक, तेरी ट्यूशन वाली टीचर घर पर आ गई है। नो प्रॉब्लम गंगू भाई, मम्मी ने टीचर को शरबत पिला दिया है ना। तो क्या हुआ, तुम चलो, नहीं तो मम्मी तुमको डांट पिला देगी। चलो आ रहा हूँ, बाय। तुम मेरा मास्क तो दे। नहीं आज मेरे पास रहने देना। ना बाबा, मेरी दादा को दे दो ना पप्पू बाबा। नहीं आज रात को मिलते, बाय। मिल लेना बाबा, मिल लेना, तेरी टीचर इंतजार कर रही है, पढ़ने का टाइम बेकार जा रहा है। चल जी
पता है? तुझे कुछ पता है? अरे इस उम्र में खुद पढ़ने का। तू कितनी बड़ी हो गंगू भाई? मैं पढ़ी लिखी होती तो बर्तन धोने का को गस्ती। पढ़ने से इंसान बड़ा होता है? बहुत बड़ा होता है। स्कूल से आ जाते इतनी देर लगा देता है कि बस सारा ध्यान खेल कूद में। पता नहीं कब समझ आएगी मेरे पप्पू को। बच्चा है अभी, इस उम्र में कोई भी नई बात देखे तो बच्चे उसके पीछे ही पड़ जाते हैं। अच्छे बुरे की पहचान तो वक्त ही कराता है ना। पता नहीं, मगर बड़ी चिंता लगी रहती है मुझे उसकी। ये लो, आपका पप्पू आ गए, अब मैं चलती हूँ। जा, इतनी देर लगती है स्कूल से आने में? सिर्फ 2 मिनट का रास्ता है। से सॉरी टू योर टीचर। अरे जाने दीजिए ना बेटा। सॉरी कहिए, कब से आपका वेट कर रहे हैं। सॉरी मैम। अच्छा जाओ, जाकर तुम मुंह हाथ धोलो। आप भी चलिए पप्पू के रूम में। बहुत देर करती मिनी। स्कूल बस ट्रैफिक में फंस गई मम्मा। क्या हुआ? मेरी शोल्डर में दर्द हो रहा है। इतना वजन तो डाल देती हो बैग में। लो जाओ कपड़े चेंज कर लो, मैं नाश्ता लगाती हूँ। ओके दिस इज नॉट फेयर पप्पू। करते ही नहीं हो। देखो पप्पू, अगर तुम्हें जिंदगी में कुछ बनना है तो पढ़ना जरूरी है। खेलकूद में तो तुम सबसे आगे रहते हो। देखो अगर इस साल तुम्हारी परसेंटेज कम आई तो तुम्हारे डैडी मुझसे नाराज हो जाएंगे। लो कुछ कह दो तो रोनी सूरत बना लेते हो। यू मस्ट स्टडी हार्ड। तुम्हारा लैंग्वेज और मैथमेटिक्स वैसे ही बहुत वीक है। तुम सुन रहे हो या सो रहे हो? देखो पप्पू, चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होगा। अगर कल तुमने होमवर्क नहीं किया तो मुझे तुम्हारे डैडी से तुम्हारी कंप्लेंट करनी होगी। इज दैट क्लियर? तुम सुन रहे हो ना? क्या कर रहे हो तुम? समझाइएगा आज। क्यों, क्या हुआ? वो शिवानी बता रही थी कि आजकल उसका। हाँ ठीक है, समझा दूंगा। तुम एक काम करो, जरा डिनर बना लो। आज हमारे वो जोनल मैनेजर मिस्टर दामले आने वाले हैं। तो मुझे ऑफिस से ही फोन कर देते ना आप। अरे बाबा, ऑफिस में टाइम नहीं मिला। अब तक तो मेरी आधी तैयारी भी हो गई होती। तो आप कर लो ना काम। नहीं एक बात बताओ, तुम ये बहस क्यों करने लगती हो? बहस? मैं कहाँ बहस कर रही हूँ? जो तुम कर रही हो ना, इसको बहस कहते हैं। हद हो गई। सामने आजकल ना आप बात बात पर चिढ़ जाते हैं। आप बाहर के टेंशन घर में मत लाया करिए। अच्छा ठीक है ठीक है, तुम ये अपनी नसीहत और ये जो राय है ना अपने पास रखा करो। वैसे भी वक्त कम है, जरा जल्दी बनाओ। 8 बज गए, मिस्टर दामले 9 बजे आने वाले। ठीक है, क्या बनाऊं?
यार, फिर एक और बेतुका सवाल। अब पूछ लिया तो इसमें हर्जी क्या है? तो मैं क्या बताऊं तुम्हें, तुम्हें जो कुछ समझ में आता बना लो। ठीक है, आप बताएंगे तो नहीं कभी मुझे? हाँ, बीवी समझते भी कहाँ है, नौकरानी समझते मुझे। गामने। और कोई ऑर्डर सर? I'm sorry यार। देखो, तुम खुद इतना अच्छा खाना बनाना जानती हो, मेरे कहने की कोई गुंजाइश नहीं रही। अगर दिल रखने के लिए कह भी देते तो क्या जाता? अरे भाई, तो मजा और भी किरकिरा हो जाता, ना तुम रोटती और ना ही मैं तुम्हें मनाता। अच्छा, अब छोड़िए, बाद में मना लीजिएगा। अरे हाँ, तुम वो पप्पू के बारे में क्या कह रही थी? हाँ, शिवानी कह रही थी कि पप्पू का पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लगता। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, मैं उसे समझा दूंगा, मगर प्यार से समझाइएगा। अरे बाबा, प्यार से समझाऊंगा, लेकिन ये बताओ पप्पू है कहाँ पर? और बातें बताओ ना जोकर, जोकर क्या क्या करते? कमाल के जोकर थे, मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा था। पता है, एक जोकर तो सिर्फ 2.5 फीट का था, इतना सा छोटा। रियली? 2 साल पहले मैंने सर्कस देखी थी, इसमें है ना जोकर का स्पेशल शो था, सारे जोकर झूले पर झूलते थे, फिर एक एक करके नीचे गिरते थे। क्या इस सर्कस में है ऐसा शो? 2 साल पहले की बात भूल जाए यार, इस सर्कस में तो ढेर सारे नए नए खेल है। पता है, रिंग मास्टर जोकर को शेर के पिंजरे में डाल देता है। माय गॉड, हाउ थ्रिलिंग यार। फिर क्या होता है? तुम सर्कस देख कर आओ ना। हम सब ने सर्कस देख ली, एक तुमने ही नहीं देखी। क्या करूँ यार, मेरे डैडी काम में बहुत बिजी रहते। डोंट टेल मी दैट, मेरे पापा तो कंपनी के मैनेजर है, फिर भी हमारे लिए वक्त निकालते हैं। तुम डैडी के पीछे ही पड़े रहो। नहीं यार, तो मुझे 2 चाटे पड़ेंगे। आज नहीं पड़ेंगे यार। और बातें बताओ ना, सर्कस में जोकर क्या क्या करते हैं? वो तो तुम जाकर ही देखो। आपका नाम क्या है? मिताली, अगर सब मुझे मिनी बुलाते हैं। अच्छा, तो ठीक है, हम भी अब से आपको मिनी ही बुलाएंगे। भाई धर्मेश, तुमने घर बहुत अच्छा सजाया। अरे दामले साहब, ये तो कामनी को घर सजाने का बहुत शौक है, वो नई नई चीजें लाती रहती है और घर सजाती रहती है। उसने इनफैक्ट पेंटिंग का भी कोर्स किया हुआ है। भाई, घर को सजाना और उसकी हिफाजत करना कोई औरतों से सीखे। किसी की भी रहन सहन का पता उसके विचारों से चलता है जी। अच्छे संस्कार वहीं पर अपने हैं जहाँ अच्छे विचार पर अपने। आइए भाई सर। कामनी जी, धर्मेश आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। अरे कहाँ, आप भाभी जी को भी साथ ही ले आते तो अच्छा होता। पूना से फैमिली शिफ्ट करनी, जरूर लाऊंगा उसे, ताकि वो देख सके कि घर कैसे सजाया जाता है। थैंक यू। पप्पू को बुलाओ। जा बेटा, पप्पू भैया को बुला के लाओ। मैं अभी आई अंकल। ओके। और बातें बताओ ना बबलू, तुम सब पूछ लोगे तो देखोगे क्या? या पूछते ही रहेगा, इसके डैडी से सर्कस में नहीं ले जाएंगे। वो आ गए, तेरे डैडी पैसा अच्छा कमाते होंगे ना? वो बहुत बिजी रहते हैं यार। बस बात तो ये है कि पप्पू पढ़ाई में वीक है। ऐसी बात नहीं है, मुझे सब पता है, मैथ्स में फेल हुआ था प्रीलिम्स में। तो तुझे क्या मजा आ रहा है? मजा तो मैं सर्कस देख कर आ गया। हम सबसे पूछते नहीं, बता ना सर्कस कैसी है? तुम मत बताओ ना। नहीं बताएंगे। चल बबलू चल। कौन वाली पप्पू, मैं डैडी तुम्हें जरूर ले जाएंगे सर्कस देखने। डोंट क्राई प्लीज। भैया, डैडी बुला रहे हैं, चलो ना भैया, जल्दी चलो वरना डैडी गुस्सा हो जाएंगे। सूप ज्यादा कहीं तीखा तो नहीं हो गया ना? बहुत मजेदार है वो, वैसे भी मुझे तीखा बहुत पसंद है, वो खासकर ये मोनचाओ सूप बहुत अच्छा लगा। अच्छा तुम खाना लगा लो। जी अभी ले। आगे जनाब, अंकल को नमस्ते नहीं किया? नमस्ते। नमस्ते बेटा, इतनी रात तक खेल रहे थे क्या? अरे दामले साहब, इसका खेल कूद में ज्यादा ध्यान है, पढ़ता कम है, खेलता कूदता ज्यादा है। जाओ पहले हाथ मुंह धो लो और फिर खाना खाने आओ। आपकी भी खेल कूद में दिलचस्पी थी क्या? अरे दामले साहब, मैं कॉलेज में क्रिकेट खेला करता था, हमारे फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे, इसमें इतनी पाबंदियां थी कि पढ़ाई के सिवा दूसरा काम कर ही नहीं पाए। अरे भाई, सूप ही पिला दे रहोगे, खाना भी खिलाओगे? हाँ बच्चों, खाने की तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बेटा बैठो। एक बात बताओ, तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो?
बताओ बेटा, अंकल पूछ रहे हैं आपसे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? डॉक्टर राधाकृष्णन विद्यालय। डॉक्टर राधाकृष्णन विद्यालय। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें कौन सा गेम पसंद है? आपने सर्कस देखी है अंकल? दामले साहब, इसे तो बस सर्कस देखने का शौक है। अच्छी बात है भाई, सर्कस। अच्छा एक बात बताओ बेटा, तुम बड़े हो गए क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर, इंजीनियर या अब जोकर? भैया हमें जोकर की नकल करके बताएंगे। बताओ रिलैक्स धर्मेश, इस उम्र में बच्चे यही जवाब देते हैं। अच्छा पता है मैं क्या जवाब दे दूंगा? आपको भी जोकर बनना था? नहीं तो रिंग मास्टर? बिल्कुल नहीं। नहीं तो आइसक्रीम वाला? आइसक्रीम वाला तो बिल्कुल ही नहीं। नहीं बेटा ऐसा नहीं कहते। दामले जी आप ही बता दीजिए कि आप क्या बनना चाहते थे? मैं बचपन में बस कंडक्टर बनना चाहता था। अरे भाई मुझे बड़ा अच्छा लगता था बस कंडक्टर। लोगों को टिकट देता है और ठाट से लोगों से पैसे लेता है और मुफ्त में सारा शहर घूमता है। दरवेश, अरे अभी बच्चा है, बड़ा होके ठीक जवाब देने लगेगा। पप्पू, बेटा सोए नहीं अभी तक तुम? मम्मी, डैडी हमें सर्कस देखने कब ले जाएंगे? या कि बहुत बुरी आदत है, एक बात पे अड़ जाते तो बस उसी की रट लगाते रहते हो। मेरे सारे दोस्तों ने सर्कस देख ली, पता है बबलू ने तो 2 बार सर्कस देखी। हम भी जरूर जाएंगे बेटा, इस हफ्ते डैडी बहुत बिजी थे ना। तो बबलू के डैडी भी बहुत बिजी रहते हैं। मैं जानती हूं। बेटा तुम्हें ये भी मालूम होगा कि बबलू को 92% मार्क्स मिलते हैं। छोड़िए ना, उसको बिना ट्यूशन के 92% मार्क्स मिलते हैं और आप 300 रुपए ट्यूशन करने के बाद भी मैथ्स में फेल हो जाते हैं। पहले अच्छे मार्क्स लाओ फिर सर्कस देखने चलेंगे। ओके गुड नाइट, सो जाओ आराम से। अब रो मत, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ हम लोग इस संडे जरूर सर्कस देखने जाएंगे। अब आंसू पोंछो और गुड बच्चों की तरह सो जाओ। मम्मी की बात नहीं मानोगे? मानोगे ना? गुड बॉय, गुड नाइट। उल्लू का पट्टा कहीं का? दामले साहब के सामने बोलता है वो जोकर बनना चाहता है। आप पप्पू को क्या समझते हैं? मतलब अब पप्पू क्या 16-18 साल का जवान लड़का है या 60 साल का बूढ़ा? और फिर दामले जी खुद बता रहे थे ना कि बचपन में वो बस कंडक्टर बनना चाहते थे मगर काम नहीं। अब पप्पू इस उम्र में और क्या सोचेगा? अपना फ्यूचर, अपना करियर, इन सब बातों से वो बहुत परे है। और बच्चों को बात बात पर इस तरह डांटना फटकारना अच्छी बात नहीं है। तुम क्या बकबक किए जा रही हो? मैं सच कह रही हूँ धर्मेश। क्या सच कह रही हो? अच्छा धीरे, पप्पू अभी जाग रहा है। I'm surprised. I'm really surprised कि तुम उस बेवकूफ की साइड ले रही हो। क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ। हर बात पर इस तरह डांटना फटकारना, उसे डिस्करेज करना अच्छी बात नहीं है। बच्चों पर इसका गहरा असर पड़ता है। और फिर क्या आपने कभी उसे प्यार से समझाया? एक बार कोशिश तो करिए, वो जरूर मान जाएगा। पता नहीं आप भी अपने बेटे से इतनी नफरत क्यों करते हो? मैं पप्पू से बहुत उम्मीदें लगा बैठा हूं, शायद इसी वजह से। तो आप उसे विश्वास दिलाइए, उसे डांटकर इनसिक्योर फील मत करवाइए। अब सर्कस देखने के लिए वो कब से कह रहा है? जरा सोचिए तो सही, उसके सारे फ्रेंड्स ने सर्कस देख लिया है, सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। क्या एक छोटी सी ख्वाहिश हम उनकी पूरी नहीं कर सकते? मैं कल ही सर्कस के टिकट लेके आता हूँ, हम सर्कस देखने चलेंगे। लेकिन तुम जरा पप्पू को
मैं समझा दूंगी उसे, ओके? और ये है आपके पसंदीदा जोकर राजू और डैनी। ये है टिंको मास्टर डैनी और ये है जोकर झूले पर। अरे अरे कहीं गिर ना जाए। ये है रेमन स्टार द्वारा साइकिल बैलेंसिंग। ये है हमारे जंपिंग जोकर।